पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर में नाले में झाड़ियों के बीच एक नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने नवजात को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही CWC समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जिला अस्पताल पहुंचे। मानपुर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित JRM स्कूल से चंद कदम की दूरी पर सुबह करीब 7 बजे खेत में घास की कटाई करने गए। इस दौरान ग्रामीणों ने किसी नवजात के रोने की आवाज़ सुनी। ये खबर कुछ ही देर में जंगल में आग की तरह फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच किसी ने घटना की जानकारी डायल 100 को दी। कुछ ही देर में PRV मौके पर पहुंची। उसकी हालत नाजुक देख PRV जिला अस्पताल की ओर भागी। वहां नवजात को गहन शिशु चिकित्सा केंद्र में दाखिल कराया गया। लावारिस नवजात मिलने की भनक लगते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका प्रिया अग्रवाल मौके पर पहुंची। उन्होंने भी नवजात की हालत पूछी। CMS डॉक्टर कल्पना सिंह ने बताया कि नवजात विशेष निगरानी में है। उसे सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन अब वो ठीक है। जागरूकता के बाद भी अभी भी हमारे समाज को कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ऐसी घिनौनी हरकत की है। मुझे बड़ा ही दुख है और ये मैं आग्रह अपील भी करती हूँ इस तरीके की कुरीतियों को हम लोग मिटाएं। एक पहल आप सबकी, एक पहल हमारे जिला अस्पताल साथी हमारे डॉक्टर्स पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हीना अरोरा जी जो कई क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, डॉक्टर विमिता कुमार जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में डॉक्टर का काम ये देख रही हैं, वो सब हम इस बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हैं। जैसा भी आदेश यहाँ की डॉक्टर्स हमें करेंगी, हम उसके लिए जैसे PRV वैन में आए जी, मेरा अजय कुमार कांस्टेबल को लेकर के आए हैं जी। और नवजात बच्ची है जी, 2 किलो करीब वजन था इसका। जिस समय आई थी उस समय इसकी सांस वगैरह लेने में परेशानी हुई जी, लेकिन इलाज के बाद